अगर घुसेंगे तो मेरे से पूछ के घुसेंगे, यदि किसी ने गलत किया है तो हम उसको बताएंगे कि इसको ठीक करो। पर कोई ऐसे दादागिरी यहाँ पर अधिकारियों की बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये मैं बता दूं। दादागिरी चलेगी तो हमारी जनता की चलेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम विकास भी करेंगे पर एक चीज से हमारे बच्चों को बचाना होगा, वो है नशा। आजकल पुड़िया उड़िया का नशा बहुत चलने लग गया है। आप क्या चलता है कि नहीं चलता है? खूब चलता है। आप चिंता मत करो, मैं जिस दिन चुनकर आया दूसरे दिन से सब नशा बेचने वाले भी सुन लो जो आपकी मेरी आवाज जा रही है, और उनको बता देना एक भी पुड़िया बेचने वाला और नशा बेचने वाला यहाँ दिखेगा नहीं, उनको ठोक ठोक के इंदौर के बाहर कर देंगे। नशे का मैं सख्त विरोधी हूँ। नशा करो तो भक्ति का नशा करो, जैसे हनुमान जी ने राम भक्ति की नशा किया था। हम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़े, देवियां हमारी दुर्गा चालीसा पढ़े, शिव जी की भक्ति करें। हमारे प्रदीप मिश्रा जी कथाकार कहते हैं कि कुछ नहीं करना, एक बिलपत्र चढ़ाना शिव जी को और तांबे के लोटे से जल जड़ाना और नमः शिवाय करके जो मन में इच्छा वो मान लेना, हमारा भोलेनाथ दे देगा आपको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।